पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शंस, क्या समझ में आया इससे? हाँ हम लोग फंक्शन में आर्गुमेंट्स पास करते हैं, आर्गुमेंट्स पास करते हैं ना, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स में क्या पास करते हैं हम लोग, आर्गुमेंट्स में क्या रहता है, क्या रहता है बताओ? अरे क्या रहता है, पढ़े वढ़े नहीं होगे तुम, क्या रहता है? वेरिएबल्स होता है, क्या रहता है? वेरिएबल। तो हम लोग फंक्शन में जैसा वेरिएबल पास करते हैं, ठीक है, एज ए आर्गुमेंट, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर का एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ठीक है। हम लोग एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना के उसको पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन पे, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एड्रेस नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने तीन मेंबर लिया, सिटी, पिन और फोन, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर इंडिविजुअल है, अलग से एक स्ट्रक्चर हमने बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके अंदर दो मेंबर लिया है, नेम और एड्रेस एड, ठीक है। ये किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। मैंने इस एड्रेस का यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, लेकिन ये मेंबर किसका है, एम्प्लॉय का मेंबर है, ठीक है। तो इस एड के अंदर क्या अवेलेबल होगा, सिटी, पिन और फोन, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे चार मेंबर अवेलेबल है, ठीक, समझ में आया इतना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, नेस्टेड स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे यूज किया है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, एक हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया यहाँ पे, एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है, void display struct employee emp, यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप दिया है, यहाँ पे हमने इसका डेटा टाइप दिया है, क्या डेटा टाइप दिया है, struct एम्प्लॉय, ठीक है। जैसा कि हम लोग वहां पे देते थे इंट या फ्लोट देते थे डिक्लेरेशन के समय, वैसे यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसी का एक वेरिएबल बनाए, ई एम पी, ये लोकल वेरिएबल होगा इस फंक्शन डिस्प्ले के लिए, क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा फंक्शन डिस्प्ले के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंटिंग द डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज परसेंटेज परसेंट डी परसेंटेज लगा के यहाँ पे हमने सारे मेंबर्स के डेटा को प्रिंट कर लिए, ई एम पी डॉट नेम, ठीक है। नेम तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय का मेंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद ई एम पी डॉट एड डॉट सिटी, ई एम पी डॉट एड डॉट पिन, ई एम पी डॉट एड डॉट फोन, ठीक है। किसके अंदर अवेलेबल है ये सारे, एड्रेस के अंदर अवेलेबल है। तो हम लोग एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे, एड्रेस के सारे मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे, एम्प्लॉय के वेरिएबल से, ठीक है। ई एम पी डॉट एड डॉट सिटी, ई एम पी डॉट एड डॉट पिन, ई एम पी डॉट एड डॉट फोन, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन पे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई एम पी, क्या बनाया हमने, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई एम पी, हमने एक एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ लगा के प्रिंट कर रहे हैं, एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद स्कैन एफ से हम लोग इनपुट ले लिए, परसेंट एस परसेंट डी परसेंट एस, और उसके बाद एक्सेस कैसे करेंगे, ई एम पी डॉट नेम, ई एम पी डॉट एड डॉट सिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि परसेंट एस अगर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एम परसेंट नहीं लगेगा, ठीक है, परसेंट एस अगर लगा रहे हैं तो एम परसेंट नहीं लगेगा, ठीक है। लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर परसेंट डी है तो यहाँ पे एम परसेंट लगा है, फिर परसेंट एस है तो यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है, लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है।
वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में ही डेटा लेता है, ठीक है। तो हम लोग को वहां पे जरूरत नहीं होती एड्रेस बताने की, ठीक है। हम लोग ने इनपुट ले लिया, अब इसके बाद हमने क्या किया है, डिस्प्ले को कॉल किया है। ये क्या है, फंक्शन कॉल है। क्या है, फंक्शन कॉल। इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है, वो पैरामीटर किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है। एम्प्लॉय क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। तो पासिंग स्ट्रक्चर टू फंक्शन, आया समझ में। हमने एक स्ट्रक्चर को पास किया फंक्शन में, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन कॉल किए, वहां पे हम लोग ने इस EMP को पास किया। EMP क्या है, वेरिएबल है एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का, ठीक है। इस EMP के अंदर चार टाइप के मेंबर अवेलेबल है, नेम, ठीक है, एड डॉट सिटी, एड डॉट पिन, एड डॉट फोन, चार मेंबर अवेलेबल है, आया समझ में। तो यहां पे हम लोग ने सिंगल वेरिएबल से चार टाइप के डेटा पास कर दिया, ठीक है। सिंगल वेरिएबल से हम लोग ने चार टाइप के डेटा पास कर दिए, समझ में आया। जब हम लोग फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते थे तो वहां पे चार अलग अलग वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ता था, और चार वेरिएबल में चार अलग अलग वैल्यू हम लोग को देना पड़ता था। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेटा स्टोर किया और डायरेक्ट उस स्ट्रक्चर के ही वेरिएबल को हमने पास कर दिया। तो उससे क्या फायदा हुआ हमारा, एक ही वेरिएबल हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा, और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा को पास कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉल किया है, अब कंट्रोल कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे EMP से जो डेटा हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा इनपुट लिया है, हमने इनपुट ले लिया, यही सारे यहाँ पे डेटा जो है इस EMP के थ्रू पास होंगे और यहाँ पे वो कैच करेगा इस EMP। ये EMP क्या है, लोकल वेरिएबल है फंक्शन डिस्प्ले का, सिर्फ और सिर्फ इस डिस्प्ले के अंदर ही वो एक्सेस हो सकता है, ठीक है। ये वाला वेरिएबल अलग है, ये वाला वेरिएबल अलग है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू, क्या यूज हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है। दो टाइप के मेथड हम लोग ने पढ़ा था, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है, आया समझ में। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा और प्रिंटिंग द डिटेल्स, और सारे डिटेल्स को वो प्रिंट कर देगा, ठीक। तो आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा, जो भी हम लोग यहाँ एंटर करेंगे वो सीधा सीधा आउटपुट हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखो, जैसा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे यूनियन बनाते हैं, ठीक है। बस वहां पे स्ट्रक्ट कीवर्ड की जगह यूनियन हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना डिफरेंस दोनों में, ठीक है। स्ट्रक्ट की जगह हम लोग को यूनियन लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेलिंग क्या है, UNION, ठीक है, यूनियन हम लोग को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एकमात्र डिफरेंस है इसका, जितने भी हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं, मीन स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम लोग मेंबर बनाते हैं, ठीक है, हर मेंबर जो है हमेशा एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर तीन मेंबर दिए, कैर एक्स, इंट वाई और फ्लोट जेड, ठीक है। तीनों के तीनों मेंबर हमेशा एक्टिव होंगे, एक्टिव होंगे मतलब हम लोग उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और तीनों को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। लेकिन यूनियन में वैसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यूनियन इन सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा हम लोग वहां पे स्टोर कर सकते हैं। एट वंस ओनली वन मेंबर ऑफ द यूनियन कैन ऑक्यूपाई द मेमोरी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर जो होगा उस यूनियन का, उसी को मेमोरी मिलेगी, ठीक है। अगर मान के चलो इस यूनियन के पास तीन मेंबर अवेलेबल है, कैर एक्स, इंट वाई और फ्लोट जेड, तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, यहां पे देखो
कैरेक्स का साइज क्या है, 1 byte है, इंट वाई का क्या है, 2 byte है, फ्लोट जेड का क्या है, 4 byte है। तो मैक्सिमम मेमोरी जो ले रहा होगा मेंबर, ठीक है, जो भी मेंबर होगा जो मैक्सिमम मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो जो भी इसका वेरिएबल बनेगा, ठीक है, उसका मेमोरी साइज भी उतना ही होगा जो भी ये मैक्सिमम मेमोरी लेगा जो भी मेंबर, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 1 byte, 2 byte और 4 byte, कौन सा मैक्सिमम है, 4 byte है। तो अगर मैंने इस यूनियन का वेरिएबल बनाया, ठीक है, e1, तो इस e1 का साइज क्या होगा, 4 byte होगा, ठीक है। और 4 byte हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि तीनों में से कोई एक ही अगर एक्टिव हो रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर अपना डेटा सेव कर सके, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस यही है, क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में तीनों मेंबर एक्टिव होते हैं, ठीक है, और तीनों को मेमोरी मिलती है, यहाँ पे तीनों में से किसी एक को ही मेमोरी मिलेगी, ठीक है, तीनों में से किसी एक को ही मेमोरी मिलेगी, और जितना भी साइज होगा मेंबर का, ठीक है, जिसका भी मैक्सिमम साइज होगा उतना ही मेमोरी एलोकेट किया जाएगा एक यूनियन के वेरिएबल को, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स we can say that the size of the union in any instance is equal to the size of its largest element, ठीक है, union के variable का size कितना होगा, जो भी उसके largest member, मतलब जो भी member होगा उसका size सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो union के variable का भी size उतना ही होगा, ठीक है। तो अगर 4 byte इसको देते हैं तो उसमें char x में भी काम आ जाएगा, 1 byte ही लेगा, ठीक है, इंट वाई 2 byte ले रहा है और फ्लोट जेड 4 byte ले रहा है, मतलब तीनों में से अगर एक भी एक्टिव होता है तो तीनों डेटा इजिली स्टोर कर पाए, ऐसा उसको मेमोरी एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन तीनों में से एट ए टाइम एक ही एक्टिव होगा, एक ही एक्टिव होगा मीन्स एक को ही मेमोरी मिलेगी, ठीक है, आया समझ में, एक को ही मेमोरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग देखते हैं, समझ में आएगा। फिर ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हमने बनाया और इसके अंदर तीन मेंबर अवेलेबल है, कैर एक्स, इंट वाई और फ्लोट जेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया e1, इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे अगर इस मेंबर की बात करें तो कैर एक्स कितना बाइट ले रहा है, 1 byte ले रहा है, इंट वाई कितना बाइट ले रहा है, 2 byte ले रहा है, फ्लोट जेड कितना बाइट ले रहा है, 4 byte ले रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल साइज कितना होगा, 1 plus 2 plus 4 कितना हो जाएगा, 7 byte का इसका साइज रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा इसका साइज कितना रहेगा, 7 byte, ठीक है। अब उसके बाद इस यूनियन में आते हैं, यूनियन में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक कीवर्ड की जगह पे यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जैसा स्ट्रक्चर बनाया था सेम वैसे ही हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कैर एक्स दे दिए, उसका साइज है 1 byte, इंट वाई 2 byte और फ्लोट जेड का साइज है 4 byte, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है e1 वेरिएबल हमने यहाँ बनाया, ठीक है। इसका साइज कितना रहेगा, जो भी इस मेंबर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है मेमोरी, ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा उतना ही उसका साइज होगा, ठीक है। तो कैर एक्स 1 byte लिया है, इंट वाई 2 byte लिया है, फ्लोट जेड कितना लिया है, 4 byte, तो 4 byte की मेमोरी इसको असाइन की जाएगी, ठीक है। तो e1 का साइज क्या होगा, 4 byte, आया समझ में, ठीक है। यहाँ पे देखो, साइज ऑफ e1 इक्वल टू 4 मैक्सिमम साइज ऑफ 1 element, ठीक है। इस तीनों एलिमेंट के या फिर मेंबर हम लोग इसको बोल सकते हैं, तीनों मेंबर्स में जो भी सबसे ज्यादा मेमोरी ले रहा होगा, ठीक है, तो इस वेरिएबल का भी साइज उतना ही होगा, ठीक है, समझ में आया डिफरेंस दोनों में। और तीनों मेंबर्स में से कोई एक ही मेंबर एक्टिव रहेगा, ठीक है। अगर कैर एक्स एक्टिव है तो इंट वाई और फ्लोट जेड में हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे और एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, आया समझ में। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेमोरी ओनली, ठीक है। अगर हम लोग यूनियन का यूज करते हैं तो वो हमेशा बहुत कम मेमोरी में काम करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही मेंबर एक्टिव है और जो भी उसका लार्जेस्ट साइज है, मतलब उस मेंबर का जो भी लार्जेस्ट साइज होगा
उतना ही साइज लेगा उसका जो भी वेरिएबल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 7 बाइट ले रहा है और यहाँ पे 4 बाइट ले रहा है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, ओनली द लास्ट एंटर डेटा कैन स्टोर इन द यूनियन, इट ओवरराइड्स द डेटा प्रीवियसली स्टोर्ड इन द यूनियन। अब मान के चलो यहाँ पे हमने कैर एक्स को इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, कैर एक्स को हमने इनिशलाइज कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोग इंट वाई को कर रहे हैं, फिर उसके बाद किसको किए, वाई को इनिशलाइज किए, तो मेमोरी तो एक ही है उसके पास, ठीक है, एक ही 4 बाइट की मेमोरी है। ठीक है, पहले किसको मिली, एक्स को मिल गई, एक्स ने अपना डेटा स्टोर कर दिया, सेम मेमोरी अब कौन यूज करेगा, वाई यूज करेगा। ठीक है, तो वाई में जो भी डेटा हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है, तो एक्स के डेटा पे वो ओवरराइट हो जाएगा, क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट करना मतलब वो हट के नया वाला डेटा आ जाएगा, पुराना वाला डेटा हट जाएगा और नया वाला डेटा उसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फ्लोट जेड को इनिशलाइज करते हैं तो वाई में जो डेटा था वो हट जाएगा और जेड वाला नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, जेड वाला नया डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो यही एक मेन डिसएडवांटेज है इसका, क्योंकि वो सिंगल मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे पेन ड्राइव है या फिर सीडी जो होती है, सीडी में अगर एक बार हम लोग डेटा डाल देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कोई और दूसरा डेटा नहीं डाल पाते। ठीक है, कोई और दूसरा डेटा नहीं डाल पाते, लेकिन जब पेन ड्राइव आया, ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग के पास 8 GB का पेन ड्राइव है, ठीक है, कितने जीबी का, 8 GB का पेन ड्राइव है। ठीक है, अगर हम लोग उसमें कोई एक मूवी स्टोर कर रहे हैं जो ऑलरेडी 8 GB की है, ठीक है, तो एक मूवी आ गई उसमें, ठीक है, एक बार वो मेमोरी यूज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक और मूवी कॉपी करना है, तब क्या करेंगे, हम लोग पहला वाला हटाना पड़ेगा, पहला वाला हम लोग को हटाना पड़ेगा, फिर वो कॉपी होगा, तो मेमोरी तो वहां एक ही है ना हमारे पास। ठीक है, हम लोग पहला वाला डेटा हटाएंगे तब दूसरा वाला उसमें राइट कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, जनरली यूनियन जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, जैसे हम लोग नोटपैड बना रहे हैं, ठीक है, या फिर दो फाइल्स होती है जिसका नेम सेम होता है। ठीक है, जैसा होता है ना कभी कभी दो हम लोग फाइल बनाए उसका दोनों का नेम सेम है लेकिन दोनों के अंदर डेटा अलग अलग है, तो वो क्या करता है, रिप्लेस करने का ऑप्शन पूछता है, पूछता है ना, जैसे हम लोग कोई कॉपी करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, दोनों का नेम सेम है, ठीक है, दोनों का नेम मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ या फिर देखो, ठीक है, चलो मैं इसको कहीं और लेके जाता हूँ, ठीक है, और वापस से यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, ठीक है, दोनों का नेम मैंने सेम दिया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको आया ऑप्शन कॉपी एंड रिप्लेस, तो ये मेमोरी जो है ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, ओवरराइट करेगा, क्या करेगा, ओवरराइट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर यूज किया गया है, यूनियन टाइप का। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे एप्लीकेशन में यहाँ पे हम लोग यूनियन यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग को बार बार सेम डेटा ना करना पड़े, मतलब कोई भी डेटा का कॉपी ना बन पाए। ठीक है, कोई भी डेटा का कॉपी ना बन पाए, ठीक है, वहां पे वो सिंगल फाइल ही रहे, तो मैं इसको क्या करूंगा, कॉपी एंड रिप्लेस कर दूंगा, तो वो पहले वाला हट गया, देखो यहाँ पे था वो हट गया और ये वाला आ गया। ठीक है, समझ में आया, तो इस टाइप से वहां पे भी सिंगल मेमोरी ही हम लोग को मिल रही है, लेकिन जो भी हम लोग पहले डेटा डाले रहेंगे उसको वो रिप्लेस करके नया वाला डेटा डाल देगा उसको। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो ये था इसका डिसएडवांटेज। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, जैसा स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करते थे वैसा ही हम लोग यूनियन को भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे यूनियन का, ठीक है, उसके बाद यूनियन का नेम देंगे और उसके बाद उसके जो भी मेंबर्स हम लोग देंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर में होगा, लास्ट में लगेगा सेमी कोलन। ठीक है, सेमी कोलन लग गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम लोग ने लिखा यहाँ पे यूनियन एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर तीन मेंबर अवेलेबल है, कौन कौन से, आईडी, नेम और सेल्फ, ठीक है। तीन मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक यूनियन बन गया, ठीक है। अब जो भी इसमें से मैक्सिमम साइज लेगा, जैसे फ्लोट का होता है जनरली 4 बाइट, ठीक है। तो अगर इस यूनियन का वेरिएबल हम लोग बनाएंगे तो वो कितना मेमोरी लेगा, 4 बाइट्स का मेमोरी लेगा। और इन तीनों में से कोई एक ही एक्टिव होगा, तीनों में से कोई एक ही मेंबर एक्टिव होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे एक यूनियन बनाया एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर दो मेंबर हमने लिया, आईडी और नेम ऑफ साइज 50, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, किसका वेरिएबल बनाया, यूनियन का वेरिएबल बना लिया E1। इस E1 के अंदर दो मेंबर अवेलेबल होंगे, आईडी और नेम, आईडी और नेम अवेलेबल होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन पे। हमने यहाँ पे वेरिएबल पहले से बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे, इस आईडी को इनिशियलाइज करेंगे और नेम को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ एक्सेस कैसे करेंगे, सेम वैसे जैसा हम लोग डेटा मेंबर के एक्सेस करते थे स्ट्रक्चर के, ठीक है, डॉट ऑपरेटर से। तो हम लोग यहाँ पे लिखे e1.id=101। e1 के अंदर क्या अवेलेबल है, आईडी अवेलेबल है, ठीक है। e1 के अंदर आईडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग उसको 101 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने लगाया स्ट्रिंग कॉपी e1.name और यहाँ पे लिख दिए सोनू जायसवाल, क्या लिख लिए, ठीक है। ये जो नेम है वो किसमें कॉपी हो गया, e1.name में कॉपी हो गया, ठीक है। कॉपिंग स्ट्रिंग इनटू कैर एरे, ठीक है। ये क्या है, एक कैरेक्टर का एरे जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू किसमें कॉपी हो गया, e1.name में कॉपी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, एम्प्लॉय वन आईडी %d और यहाँ पे लिखे e1.id, फिर उसके बाद एम्प्लॉय वन नेम %s e1.name। अगर हम लोग इसके आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हम लोग को मिलेगा कुछ इस प्रकार का, समझ में आया आउटपुट, आउटपुट समझ में नहीं आया। देखो ये यूनियन है, इसमें दो मेंबर है। अब यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही एक्टिव होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको इनिशियलाइज किया, e1.id को इनिशियलाइज किया, ठीक है, और इसमें डेटा डाल दिया 101, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे मेमोरी किसको मिलेगी, आईडी को मिलेगी, आईडी में वैल्यू 101 स्टोर हो चुका है, ठीक है। आईडी में 101 वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुका है, लेकिन आउटपुट में आया क्या, नहीं आया, ठीक है। अब क्यों नहीं आया वो ध्यान से देखो। अब सेकंड लाइन में हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी का यूज किया और किसको इनिशियलाइज कर दिया, e1.name को इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो 101 ने जो मेमोरी लिया था, मतलब आईडी ने जो मेमोरी अभी अभी यूज किया, सेम मेमोरी कौन यूज करेगा, नेम यूज करेगा। तो नेम को अगर हम लोग इनिशियलाइज करेंगे तो ये सोनू जायसवाल जो डेटा हमने e1.name में स्टोर किया वो इस 101 को ओवरराइट कर चुका होगा, ठीक है। तो 101 को हटा देगा और किसको क्या स्टोर कर देगा, जो ये नया हम लोग ने डेटा यहाँ पे दिया है उसको स्टोर कर देगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग जब दोनों को प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय वन आईडी में तो कोई डेटा है ही नहीं, आईडी में कोई डेटा है क्या, नहीं है, क्योंकि उसको मेमोरी नहीं मिली, उस समय मेमोरी मिली थी, उसके बाद में किसने छीन लिया, नेम ने छीन लिया उससे मेमोरी और अपना डेटा स्टोर कर लिया, ठीक है। तो उसके पास कुछ नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, क्या डिस्प्ले करेगा, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसने 101 जो डेटा वहां पे स्टोर किया था उसको ये सोनू जायसवाल ने छीन लिया और खुद को वहां पे स्टोर कर दिया, ठीक, समझ में आया।
ठीक है, तो यहाँ पे इवन डॉट नेम जो हम लोग ने लेटेस्ट डेटा यहाँ पे डाला था वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद कोई भी मेंबर नहीं था और कोई भी हम लोग मेमोरी यूज नहीं किया, ठीक है। तो दोनों में से एक ही एक्टिव होगा, मतलब मेमोरी हमारे पास एक ही है। अगर ये वाला हम लोग ने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद कोई दूसरा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं, तो पहला वाला डेटा हट जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलो इसको लिखो।